guys, welcome to today's session, my dear pirates. Well, this is Sana Khan, your math master teacher from Vedantu. So guys, what's up? How are you all? Are you guys super duper excited for the new year coming up for you all, 2022? Well, I am definitely very excited. And इस बार मैंने भी decide किया है. वैसे generally मैं new year resolutions वगैरह पे उतना believe नहीं करती हूँ and follow नहीं करती थी. But इस बार मैंने भी decide किया है कि मैं भी कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाऊंगी एंड उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहूंगी इस साल अपने फायदे, अपने बेटरमेंट के लिए. ठीक है, सो गाइज मैं आपके लिए आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा सेशन लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल क्यों करते हैं. सो बेसिकली इसका आंसर पहले मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया एंड थोड़े अपने एक्सपीरियंस को भी एड ऑन किया. और फिर बेसिकली मैंने ये ढूंढा कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हम फॉलो क्यों नहीं कर पाते. मतलब न्यू ईयर रेजोल्यूशंस इज अ हाइप और इज इट अ रियलिटी और कैन इट बी फॉर बेटरमेंट ऑफ अस. सो मैंने काफी ज्यादा रिसर्च किया और मैंने देखा कि यार न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाना अच्छी बातें होती है, ठीक है, एंड न्यू ईयर के लिए एक्साइटेड होना बहुत अच्छी बात होती है. बट अगर हमने जो रेजोल्यूशंस बनाए हैं, जो गोल्स बनाए हैं, उसको हम एक्सीड कैसे करें, उसमें हम सक्सीड कैसे करें, ये बेसिकली जानना बहुत जरूरी होता है. तो आज मैं आपके लिए ऐसा एक सेशन लेके आई हूँ, मैं जो दोनों चीजें बताने वाली हूँ कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल क्यों करते हैं और वो फेल ना हो उसके लिए हमें क्या करना है. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों. दिस इज योर मास्टर टीचर सना खान. सो अपना भी छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं, जो बच्चे न्यू हैं इस चैनल पे और मुझे पहली बार देख रहे हैं. वेल, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय डिग्री फ्रॉम NIT रायपुर एंड अ टीचर बाय पैशन. आई टीच मैथमेटिक्स एट वेदांतु फॉर क्लास 6, 7 and 8. यू कैन कंसिडर मी योर फ्रेंड एंड यू कैन कॉल मी दीदी, दीदू, अक्का, आपकी. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे प्यार से ये से बुलाओगे. और जिस चैनल पे आप हैं उस चैनल का नाम है वेदांतु मैथ पायरेट्स. ठीक है, और ये चैनल है क्लास 6, 7, 8 के लिए. इस चैनल पे आपको ना सिर्फ मैथमेटिक्स बल्कि थोड़े से लाइफ एडवाइसेस मिलते हैं, स्टडी टिप्स मिलते हैं, एग्जाम स्ट्रेटजीज मिलती हैं एंड ये सारे क्विजेस मिलते हैं. सो इट्स एन ओवरऑल चैनल जहां पे आपके कंप्लीट डेवलपमेंट की बातें की जाती है. ओके, सो गाइज अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और थम्स अप देकर छोटा सा मोटिवेशन आपकी तरफ से हमें मिल सकता है. सो एवरीबॉडी डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप. ओके, एंड स्टार्टिंग आवर सेशन विद द अमेजिंग न्यूज फॉर यू ऑल. तो जो भी स्टूडेंट न्यू हैं हमारे चैनल पे, आप जानती होंगी कि वेदांतु जो है वो ना सिर्फ मैथमेटिक्स बल्कि साइंस, SST, इंग्लिश एंड बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं. JEE और NEET की तैयारी भी करवाते हैं एंड फिलहाल आने वाले हैं आपके एनुअल एग्जाम 3 महीने के अंदर, है ना. तो एनुअल एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो बहुत वरीड है और अगर आपको लग रहा है कि एनुअल एग्जाम्स के में कैसे क्वेश्चंस आएंगे या फिर पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करें और नोट्स अगर आपके पास नहीं है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं बाय द अमेजिंग क्रिसमस ऑफर वेदांतु हैज गॉट. सो नॉट जस्ट क्रिसमस बट न्यू ईयर के ओकेजन में वेदांतु का आखिरी एड फेस्ट चल रहा है बच्चों, जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है वेदांतु के हर एक कोर्स में. बट ये ऑफर सिर्फ 3 जनवरी तक है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 जनवरी तक ये ऑफर चलने वाला है, जिसमें आपको 50% डिस्काउंट ऑन ईच एंड एवरी कोर्स मिलने वाला है. सो अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं तो आपको पूरा का पूरा फुल सिलेबस कोर्स विच इज बेसिकली अ क्रैश कोर्स जो वेदांतु ने अभी अभी लॉन्च किया है, उसमें एनरोल करने मिल सकता है. लेकिन बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप जितने जल्दी एनरोल करेंगे तभी आपको फायदा मिल पाएगा. ठीक है, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए. जस्ट एट ₹5000 पर मंथ, नहीं, पूरे कोर्स का कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 5000. आपको फुल सिलेबस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी. क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास का बच्चा एनरोल कर सकता है. एंड ICSE के बच्चों के लिए भी क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, जिसका प्राइस और भी बहुत कम है. महाराष्ट्र बोर्ड का भी क्रैश कोर्स नहीं आया है बट मे बी बहुत जल्दी आ जाएगा. एनीवेज, एंड ऑल्सो ओलंपियाड हो गया, JEE NEET का फाउंडेशन कोर्स हो गया या फिर NEET और JEE का मेन कोर्स हो गया. किसी भी क्लास का बच्चा 50% डिस्काउंट पे एनरोल कर सकता है वेदांतु का कोई भी कोर्स. रिमेंबर, ये 50% डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा? आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है SKPRO. मेरा नाम है सना खान, SK प्रो। इस कोड से आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू कैन एनरोल, सो गो फॉर इट। ओके गाइस, और हाँ, कैसे एनरोल करना है अगर आपको नहीं पता है तो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी टूवर्ड्स द एंड, सो जस्ट वेट टिल देन। ओके गाइस, सो नाउ लेट टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू टेक अप न्यू ईयर रेजोल्यूशंस एवरी ईयर। आप में से कितने बच्चे हैं जो हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं? ऑनेस्टली जल्दी से बताओ मुझे लाइव चैट पे, आप में से कितने बच्चे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं? और अगर आप न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं तो आप में से कितने बच्चे हैं जो उसे फॉलो करने में एंड अचीव करने में फेल कर जाते हैं और अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस सिचुएशन and how many of you face this situation? It's like expectations is like we will exercise every day and reality is just sitting on the couch in winters and sipping coffee and not at all in the mood of doing any exercises. या फिर हमारी expectation होती है कि हम कोई भी जंक फूड नहीं खाएंगे, हम बिल्कुल हेल्दी फूड खाएंगे पूरे साल, और रियलिटी ये होती है कि 2 दिन बाद हम चिप्स का पैकेट लेके बैठे होते हैं और ठूस रहे होते हैं, है ना? ऐसा मेरे साथ तो बहुत होता है बच्चों। ये जो कैट है ना वो मैं हूँ, दिस इज मी एंड दिस इज वॉट आई डू। ओके, सो अगर आप भी मेरी तरह है एंड आपकी भी रियलिटी कुछ इस तरीके सी है कि अगर हम पाई चार्ट देखें तो कितने लोग हैं जो 1 महीने तक अपना रेजोल्यूशन फॉलो कर पाते हैं, विच इज शोन बाय द पर्पल ग्राफ। ब्लू ग्राफ इज फॉर पीपल हु फॉलो इट फॉर 1 वीक एंड ग्रीन ग्राफ इज फॉर पीपल हु आर लाइक आई ऑलरेडी फॉरगॉट कि मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया क्या था। राइट, सो ये हमारी रियलिटी है, हम एक्सेप्ट करें या ना करें बट दिस इज अवर रियलिटी कि हम ईयरली गोल कभी अचीव नहीं कर पाते हैं और फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि यार न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना ही फालतू बात है, बनाना ही नहीं चाहिए, है ना? हमें ऐसा लगने लगता है, राइट? बट क्या ये सच है? चलो जानते हैं। सो बच्चों, व्हाई डू वी फेल एंड व्हाट आर द रीजंस? लेट्स जस्ट कीप काम एंड चेक इट आउट। ओके गाइस, सो नंबर 1 इज जो मैंने रिसर्च करके रियलाइज किया और मुझे काफी ट्रू लगी ये बात। नंबर 1 इज कि हमारा रेजोल्यूशन फेल क्यों करते हैं? क्योंकि ना हम अपने रेजोल्यूशंस को डिफाइन नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया यार इस साल ना मुझे बिल्कुल हेल्दी बनना है और मैं क्या करूंगी, मैं हेल्दी बनने के लिए जंक फूड खाना छोड़ दूंगी, हेल्दी खाना शुरू कर दूंगी, ठीक है? तो हमने अपने गोल को ना अच्छे से डिफाइन नहीं किया, इन द सेंस कि बस मैंने बोल दिया हेल्दी बनना है, लेकिन हेल्दी किस सेंस में? क्या मैं अपने हेयर को हेल्दी बनाना चाहती हूँ? क्या मैं अपने स्किन को हेल्दी बनाना चाहती हूँ? क्या मैं पूरी बॉडी को हेल्दी बनाना चाहती हूँ? क्या मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ? क्या मैं इंच लॉस करना चाहती हूँ? क्या मैं फैट लॉस करना चाहती हूँ? दिस इज जस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेट लॉस, ठीक है? मैं बस एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट लाइफ में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि सपोज हमने बोल दिया कि इस साल मैं और फोकस्ड और डेडिकेटेड बनना चाहती हूँ। तो इट्स अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट। वेग कॉन्सेप्ट मतलब इट्स लाइक एन ओशियन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, है ना? कि कहाँ से शुरू है कहाँ से खत्म है हमें पता ही नहीं है, है ना? हमें बस पता है कि ये है ओशियन सामने है बट कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है उसका कोई किनारा नहीं है। सिमिलरली हमारे रेजोल्यूशंस भी ऐसे होते हैं कि कहाँ मतलब फोकस बनने की शुरुआत कहाँ से होती है और फोकस बनने का एंड कहाँ पे होता है। कब रियलाइज होगा कि हाँ हम फोकस बन गए भैया, हाँ हम डेडिकेटेड इंसान बन गए? ये कब पता चलेगा? ये तो हमने डिफाइन ही नहीं किया। तो ऐसे रेजोल्यूशंस बनाने ही नहीं है जो डिफाइन ना हो सके, ठीक है? ऐसे रेजोल्यूशंस बनाओ जो डिफाइन हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हेल्दी बनना चाह रहे हो तो उसमें डिफाइन करो कि आप हेल्दी कैसे बनना चाह रहे हो, ठीक है? और किस टाइप का हेल्दी बनना चाह रहे हो? क्या कोई सर्टेन वेट है जो आप अचीव करना चाह रहे हो? क्या कोई सर्टेन बॉडी डायमेंशंस हैं जो आप अचीव करना चाह रहे हो? वो आप डिसाइड करो, ठीक है? नेक्स्ट रीजन इज कि व्हाई वी फेल, यू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कुछ समझ में आया? नहीं आया? देखो क्या होता है, घोड़ा गाड़ी सबने देखी है, देखी होगी यार कि घोड़ा दौड़ता है और उसमें अटैच होता है एक बुलक कार्ट नहीं हॉर्स कार्ट, और वो कार्ट उसके पीछे पीछे चलता है, ठीक है? अब घोड़ा दौड़ता कैसे? कई बार हम बोलते हैं ना कि घोड़ा दौड़ेगा तो कार्ट अपने आप चलेगी। और घोड़ा दौड़ता है जब उसके पास कोई इंसेंटिव होता है, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि रैबिट के आगे गाजर लटका दो तो वो दौड़ने लग जाएगा उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। घोड़े के आगे घास लटका दो तो वो दौड़ने लग जाएगा उसको पकड़ने के लिए। कई बार हम क्या करते हैं कि हम कार्ट पहले रख देते हैं, हॉर्स को पीछे कर देते हैं। मतलब धक्का लगाने वाली चीज को ही हम डिफाइन नहीं करते हैं, हम बस कार्ट को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगेन, आई वॉन्ट टू लूज वेट एंड गेट हेल्दी। सो इससे क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ चेकिंग एवरी डे या फिर एवरी वीक कि आप क्या खा रहे हो, क्या एक्सरसाइज कर रहे हो, वो चेक करने के बजाय हम सिर्फ ये चेक करते रहे, क्या मैं हेल्दी हुई, नहीं हुई, क्या मैं हेल्दी हुई, नहीं हुई, क्या मैं मोटी हुई, क्या मैं पतली हुई, हम बस ऐसे सोचने लग जाते हैं ना। हम ये नहीं सोचते कि इस हफ्ते हमने क्या फॉलो किया, इस हफ्ते हमने डाइट में क्या चेंजेस किए, इस हफ्ते हमने जंक फूड कितना अवॉइड किया, या फिर इस हफ्ते हमने कितनी एक्सरसाइज की, इस हफ्ते हम खेलना कितने बार गए। तो ये सारी चीजें हम सोचते ही नहीं है। Third reason is you are treating a marathon like a sprint. Very very crucial point है बच्चों, बहुत ही crucial point है। कि अब इसके मैं student life का एक example देना चाहूंगी। चलो for example हमने ये सोच लिया कि मुझे math में बहुत अच्छा बनना है, ठीक है। अब math में बहुत अच्छा बनना है या फिर पढ़ाई में बहुत अच्छा बनना है, तो ये बच्चों marathon है। आप एक दिन में, दो दिन में, एक हफ्ते में, दो हफ्ते में मैथ में अच्छे नहीं बन सकते हो, ठीक है। ये एक मैराथन है, लंबी रेस है, ठीक है। आपको धीरे 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 उस रेस को कंप्लीट करना है। आपको अपने बेसिक्स, अब देखो, अब अगर आपको मैथ में अच्छा बनना है तो आप क्या करोगे, मान लो आप क्लास 7th में हो और आपने डिसाइड किया यार पिछले बार मेरे से 50 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, इस बार तो मैं एकदम टॉपर बनना चाहती हूँ मैथ में, यार बहुत बेइज्जती हो गई, इस बार मैं अच्छा करना चाहती हूँ। और हमने क्या किया, हमने एकदम शुरुआत से कोशिश कर दी कि यार अब मैं हर दिन मैथ्स को तो 2 घंटा दिया करूंगी और बस ऐसे करते जाऊंगी, ठीक है, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते जाऊंगी और देखना बन जाऊंगी। तो एक हमने क्या किया, हमने ना बस जल्दी से दौड़ना शुरू कर दिया कि यार जल्दी जल्दी मैं सारी प्रैक्टिस करना शुरू करती हूँ। इससे होगा क्या, एक हफ्ते आप खूब प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है दो हफ्ते आप खूब प्रैक्टिस करोगे, तीसरे हफ्ते आपको ऐसा लगने लगेगा कि ओ गॉड मैथ के अलावा तो मैं कुछ पढ़ ही नहीं रही हूँ, या फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार मैंने बहुत पढ़ लिया मैथ, अब मुझे कुछ चेंज की जरूरत है, ठीक है। तो आपने लॉन्ग टर्म ना करके शॉर्ट टर्म गोल को तो अचीव कर लिया, लेकिन वो शॉर्ट टर्म गोल आपको लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं दिया। तो आपको मैराथन को मैराथन की तरह मानना है कि पहले अगर आप क्लास 7th में हैं तो क्लास 6 का हम रिविजन करेंगे, जो हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्लास 7th में हम कितने चैप्टर्स हैं, फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में, एनुअल एग्जाम में कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, उसको हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम डिसाइड करेंगे कि अगर मैथ में अच्छा बनना है तो सिर्फ प्रैक्टिस करने से काम नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, थोड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी एंड एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी, प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि हमारा ओवरऑल मैथमेटिक्स अच्छा बन सके। तो हमें पूरे साल की प्लानिंग करनी होगी। ऑफकोर्स हर दिन की प्लानिंग, हर हफ्ते की प्लानिंग आप नहीं कर सकते हो, बट मंथ वाइज इतना कोर्स इतने महीने में मुझे करना है और मैं करूंगा, और किस तरीके से करूंगा, ठीक है। सो स्टॉप ट्रीटिंग अ मैराथन लाइक अ स्प्रिंट, हड़बड़ी मत करो वरना जनवरी खत्म होते होते सारे रेजोल्यूशंस आपके ठप पड़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ। It happens so many times that we just stop believing in ourselves. अगर हमें कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन को फॉलो करना है एंड अगर हम उसमें फेल कर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, अगर आप फेल कर जा रहे हो इस चीज को अचीव करने में, यार कि मैंने क्लास 6 में बहुत मेहनत की थी फिर भी मेरा मैथ अच्छा नहीं हुआ, मतलब मैथ बहुत हार्ड है यार, इट्स नॉट पॉसिबल, आई विल नॉट डू इट। और इस तरीके से जो थोड़ा सा हमने अपना ग्राफ ऊपर किया था क्लास 6 में, क्लास 7 में वो वापस उतना नीचे चला जाएगा, जस्ट बिकॉज हमने बिलीव करना छोड़ दिया और मैथ की प्रैक्टिस करनी छोड़ दी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। इवन इफ आप क्लास 6 में फेल कर गए हो, क्लास 7 में आपको फिर से ट्राई करना है, फिर से मेहनत करनी है, मानो उतनी ही मेहनत करनी है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, और डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज यू डोंट एंजॉय द प्रोसेस। वेल आई डोंट नो बट मेरे दिमाग में वेट गेन एंड वेट लॉस का एग्जाम्पल ज्यादा आता है बच्चों, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगता है वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, सो सॉरी फॉर दैट, बट यू डोंट एंजॉय द प्रोसेस। जैसे कि मेरी रियल लाइफ में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो वेट लॉस करने लगते हैं तो कुछ लोग हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने लगते हैं कि पूरे दिन में 9-10 घंटे मत खाओ, फिर 9-10 घंटे खाओ। इससे क्या होता है ना, जब आपको भूख लगती है तो आपकी बॉडी फैट बर्न करने लगती है, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड आप पतले हो जाते हो एकदम से। नो, ऐसा आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे और चौथे दिन आपको ये पनिशमेंट लगने लगेगी कि भाग यार, इतनी भूख लग रही है, मुझे तो खाना खाना है, मैं तो जा रही है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होने लगती है जब हम इन प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते हैं। रैदर अगर आपको वेट लॉस करना ही था और अगर आपको फिट बनना ही था तो रैदर आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं एक सस्टेन्ड लाइफस्टाइल क्यों ना चेंज करूं, क्यों ना मैं खाना खाते वक्त टीवी देखना बंद कर दूं, क्यों ना मैं अपने पोर्शंस को ऑब्जर्व करूं कि मैं कितना खा रही हूं, कितना नहीं खा रही हूं, क्यों ना मैं उसमें ध्यान देके खाऊं, क्यों ना मैं जंक को रिप्लेस करके होममेड फूड खाऊं। ठीक है, तो उन सब चीजों को एंजॉय करने के बजाय, प्रोसेस को एंजॉय करने के बजाय सीधे सुबह उठते ही साथ सबसे पहले हम वेइंग मशीन पे खड़े हो जाएंगे और अपने आप को घबराएंगे कि हाँ वेट लॉस नहीं हो रहा, और इस तरीके से हम गिव अप कर जाते हैं। सो यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, so you know your what but you don't know your why। ये एक और रीजन होता है। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हम बना तो लेते हैं कि हम इस साल ये करेंगे, पर हम क्यों कर रहे हैं। अब अगर मैं इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लूं कि मैं इस साल नॉवेल पढ़ के रहूंगी, यार सब मुझे बोलते हैं कि तुम नॉवेल नहीं पढ़ती हो, कैसी लड़की हो, और रीडिंग तुम्हारी हैबिट नहीं है, और मैं बस डिसाइड कर लूं कि अच्छा ठीक है यार, सब कह रहे हैं मतलब कुछ तो होगा नॉवेल पढ़ने से, है ना, तो ठीक है मैं इस साल हैबिट बना लूंगी नॉवेल पढ़ने की। और मुझे पता है अगर मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया कि मैं इस साल रीडिंग हैबिट डेवलप करूंगी तो मैं 100% उसमें फेल करूंगी, बिकॉज फर्स्ट थिंग मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैं क्यों नॉवेल पढ़ना चाहती हूँ। सिर्फ इसलिए कि दुनिया वाले बोल रहे हैं नॉवेल पढ़ो तो मैं पढ़ लूं, क्यों, उससे मुझे फायदा क्या मिलेगा, मैंने ये नहीं सोचा। और नहीं पढ़ने से नुकसान क्या होगा ये मैंने नहीं सोचा। दूसरा कि क्या वो बहुत क्रूशियल है या फिर उसके कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं, मैंने वो रियलाइज ही नहीं किया। सो बस मैंने एक वेग आइडिया बना लिया कि इस साल मैं रीडिंग हैबिट बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, क्यों बनाऊंगी, ये सब मैंने सोचा ही नहीं। तो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वाई अवर वॉट बिकम्स नलिफाइड। ठीक है, अगर हमारे पास रीजन नहीं होता ना कुछ करने का तो इस दुनिया में इंसान कभी कुछ नहीं करता। अगर हमें एग्जाम नहीं देना पड़ता ना तो इस दुनिया में कोई इंसान पढ़ाई नहीं करता, है कि नहीं, है कि नहीं, पढ़ाई तो हम एग्जाम देने के लिए करते हैं भाई, कहीं ना कहीं पे, राइट गाइस। सो दीज वर द रीजंस व्हाई आवर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल, राइट, कि कहीं ना कहीं हम उस फेलियर से सक्सेस वाली जंप अचीव नहीं कर पाते हैं। सो नाउ डू यू गाइज वांट टू नो कि ये जो हमारे प्रीवियस रेजोल्यूशंस फेल करते थे उसे हम सक्सेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वेल यस, आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दैट हाउ वी कैन overcome our fear and our confusion and our disbelief and how can we achieve our new year goals. But before that guys, I just want to ask you all that do you guys want to make your studies enjoyable and more fun experience? जैसे कि हमने अभी देखा कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन को अगर हम एक फन एक्सपीरियंस बना दें, हम उस प्रोसेस को एंजॉय करने लगे तो हम उसे अच्छे से अचीव कर सकते हैं, है ना। क्या आप सेम चीज अपनी पढ़ाई के साथ भी करना चाहते हो कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसे हम अगर थोड़ा सा और एंजॉयबल बना दें तो शायद वो हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। वेल यस, अगर आप अपनी पढ़ाई को एंजॉयबल बनाना चाहते हैं देन आई हैव अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर यू ऑल। वेल गाइज, वेदांतु के ऐप के बारे में तो आपने सुना होगा जिसका नाम है वेदांतु प्रो क्लासेस। वेदांतु प्रो क्लासेस में बच्चों आपको मिलता है मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी एंड इंग्लिश की लाइव ऑनलाइन क्लासेस। मैं भी पढ़ाती हूँ बट मैं मैथ पढ़ाती हूँ एंड बाकी टीचर्स हैं जो साइंस, एसएसटी और इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब वेदांतु प्रो के फायदे क्या है? वेदांतु प्रो में आपको हर एक टॉपिक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जाता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाया जाता है एंड क्विजेस के साथ पढ़ाया जाता है। इससे आपके लिए पढ़ाई जो है ना वो एक फन एक्सपीरियंस बन जाती है। ठीक है, तो आपको कभी भी पढ़ाई बोझ की तरह नहीं लगती। दूसरी बात, हर क्वेश्चन पे आप पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करते हो, तो कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट बच्चों हमें हमेशा पुश करता है अच्छा परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो इससे आपको जब रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, जब आपके लीडर बोर्ड पे नाम आता है तो आपको अपने आप मोटिवेशन मिलता है कि आप और अच्छा कर सको। देन हो सकता है कभी कभार हम बीमार पड़ गए या किसी और वजह से हम लाइव क्लास मिस कर जाते हैं ना, बट उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। प्रो क्लासेस में क्या होता है, अगर आप लाइव क्लास मिस भी करते हो तब भी आपको लाइव क्लास का रीप्ले मिलता है। मतलब उस क्लास को आप दोबारा देख लो, 3 बार देख लो, 4 बार देख लो, और रात के 12 बजे भी देख लो, सुबह के 5 बजे भी देख लो, कभी भी देख लो, आपकी मर्जी है क्योंकि ऑफलाइन है ना। एंड उस रीप्ले में भी लाइव क्विज होते हैं। यस, लाइव क्विजेज आर व्हाट, बेसिकली आप जैसे क्लास देख रहे हो, ठीक है, दोबारा देख रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे यहाँ यूट्यूब पे अगर आपकी मेंटी खत्म हो गई तो खत्म हो गई, जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आप मेंटी नहीं खेल सकते, बट वहां ऐसा नहीं है, वहां आप लाइव क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप लाइव क्लास अटेंड करें और आपको अकेला फील नहीं होगा। प्लस आपके एनुअल एग्जाम्स के लिए आपको फुल सिलेबस के नोट्स मिलेंगे जिसमें मास्टर टीचर के हैंड रिटन नोट्स भी होंगे। इसके अलावा जितने भी आपके पास डाउट्स कलेक्ट होते जा रहे हैं एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए किसी भी चैप्टर के, वो आप डाउट सॉल्विंग स्पेशल क्लासेस में क्लियर कर सकते हो एवरी वीक। यस, हर हफ्ते होती है डाउट सॉल्विंग क्लासेस एंड उसमें आप अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हो। प्लस जितने भी हमारी क्लासेस होती है ना, हर क्लास में एक होता है मास्टर टीचर जो पढ़ाता है और उसके साथ होते हैं कई सारे क्लास टीचर जो आपके डाउट सॉल्व करते हैं, तो आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे बाय द क्लास टीचर्स हर सेशन में, प्लस एक्स्ट्रा क्लास हर हफ्ते प्रैक्टिस के लिए, तो कोई कमी ही नहीं है बच्चों। होमवर्क असाइनमेंट हर क्लास में, वर्कशीट असाइनमेंट हर हफ्ते, एंड सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट हर महीने, हर सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट नहीं क्या, ऑब्वियसली हर सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जिसमें आपके टाइमर वाली एनुअल एग्जाम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि आप मेरी क्लास अटेंड कर सकते हो या हरिप्रिया मैम की या सुरभि मैम की, जिस टीचर की क्लास आप अटेंड करना चाहो आपकी मर्जी है, फ्री में आपके पास एक्सेस रहेगा हर एक टीचर की क्लासेस का। सो इजंट इट अमेजिंग? यस। सो इफ यू आल्सो वांट टू एंजॉय दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस, आपको क्या करना है बच्चों, इस सब्सक्रिप्शन को एनरोल करने के लिए आपको ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक दिया है, उस लिंक का नाम है वेदांतु प्रो। उस लिंक पे आप क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे वेबसाइट खुलेगी, वेबसाइट पे आप कूपन कोड एंटर करना। मेरा कूपन कोड क्यों एंटर करना, क्योंकि आपको याद होगा 50% डिस्काउंट चल रहा है 3rd of जनवरी तक। सो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप किसी भी कोर्स को एनरोल कर सकते हैं एट 50% डिस्काउंट। सो यूज माई कूपन कोड SKPRO एंड गो फॉर इट। ओके, नाउ कैन आई ऑल्सो शो यू गाइज द लिंक? ओके, तो ये है हमारा चैनल मैथ पायरेट्स का, राइट? और आप किसी भी वीडियो में जाओगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, ठीक है, मान लो ये क्लास 6 का फुल सिलेबस मेंटी क्विज है, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे ना तो आपको लिंक मिल जाएगा वेदांतु प्रो का। दिस इज द लिंक वेदांतु प्रो। आपने इस लिंक पे क्लिक किया, उसके बाद आप अपनी क्लास सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल क्लास 7th, एंड आप सेलेक्ट करोगे CBSE क्रैश कोर्स, और आपको यहाँ मिल जाएगा 50% का डिस्काउंट यूजिंग कूपन कोड SKPRO, एंड 5000 रुपीज में आप पूरा का पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स एनरोल कर सकते हो फुल सिलेबस का। ओके बच्चों, सो इस तरीके से आप किसी भी कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। नाउ गाइस, टॉकिंग अबाउट कि रेजोल्यूशंस को फेलियर से सक्सेस की तरफ कैसे ले जाया जा सकता है। सो टिप नंबर 1, स्टार्ट योर रेजोल्यूशन व्हेन यू आर रेडी। सिर्फ बाकी लोग कर रहे हैं इसलिए हमें भी करना चाहिए, नहीं, अगर आपका दिल कहता है तब आपको करना चाहिए। हाँ, सो जब आपको लग रहा है कि अभी मुझे जरूरत है इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन की एंड इसे फॉलो करने से मेरी लाइफस्टाइल बेटर हो सकती है, तभी आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन को स्टार्ट करें, वरना ना करें, डेफिनेटली आप भूल जाएंगे उसे फेब्रुअरी आते आते। ठीक है, नेक्स्ट इज टेक बेबी स्टेप। जैसा कि मैंने बताया, मैराथन को स्प्रिंट नहीं बनाना है, स्प्रिंट को मैराथन भले ही बना लो, ठीक है। टेक वन स्टेप एट अ टाइम। अगर आपको मैथमेटिक्स में अच्छा बनना है तो पहले टर्म 1 के बारे में सोचो, फिर टर्म 2 के बारे में सोचो, फिर एनुअल एग्जाम के बारे में सोचो, पहले कॉन्सेप्ट समझने के बारे में सोचो, फिर प्रैक्टिस के बारे में सोचो, एंड फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में सोचो। ठीक है, डायरेक्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कूदोगे तो तुरंत डिमोटिवेट हो जाओगे और नहीं फॉलो कर पाओगे। ठीक है, सो ईच स्टेप यू टेक रिवील्स अ न्यू हॉरिजन and you have taken the first step today. Now I challenge you to take another step tomorrow. So that means आज आप एक स्टेप लीजिए, उसे पूरा करिए, अपने आप आपका दिल आपको चैलेंज करेगा नेक्स्ट स्टेप अपने आप फॉलो करने के लिए. ओके, नेक्स्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस बच्चों, टेक अप 5 मिनट हैबिट्स. ठीक है, सो मेरी रिसर्च से मैंने ये पाया है कि अगर आपको लगता है कि आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल कर रहे हैं, ठीक है, मैंने ये पाया कि इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को बेसिकली एक स्टेटमेंट की तरह यूज करते हैं, है ना. हम उसे वेगली यूज करते हैं एंड हम उसे सस्टेन्ड नजरिए से नहीं देखते. मैं थोड़े हैवी टर्म्स यूज कर रही हूँ, मुझे पता है कि बहुत है, मैम क्या बोल रहे हो, मैम कुछ समझ नहीं आ रहा. तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप कोई चीज बदलना चाहते हो तो आप उसको मोमेंटरली क्यों बदलना चाह रहे हो, हमेशा के लिए क्यों नहीं बदलना चाह रहे हो. ये सोच होनी चाहिए आपकी, बदलो तो हमेशा के लिए बदलो, एक पल के लिए तो हर कोई बदल लेता है कि नहीं. तो रेजोल्यूशंस को रेजोल्यूशंस की तरह मत देखो, हैबिट की तरह देखो. अगर आप रेजोल्यूशन बना रहे हो कि इस साल आप डिजिटल डिवाइसेस का कम यूज करोगे क्योंकि आपकी आंखें खराब हो रही हैं, जैसे कि मैंने ये रेजोल्यूशन बनाया है कि मैं इस साल डिजिटल डिवाइसेस को कम यूज करूंगी, तो मैं सिर्फ ये सोच के नहीं करूंगी कि 2022 में मुझे ऐसा करना है. मैं ये सोच के ये रेजोल्यूशन शुरू करूंगी कि ये मेरी हैबिट बनना चाहिए पूरी जिंदगी भर के लिए. मैं हैबिट बनाऊंगी कि मैं सुबह उठ के आधे घंटे तक मोबाइल फोन की तरफ देखूंगी भी नहीं. मैं हैबिट बनाऊंगी कि सोने से पहले मैं आधे घंटे तक वो मोबाइल या टीवी की तरफ नहीं देखूंगी. मैं हैबिट बनाऊंगी कि मैं अपने फोन में तब तक एक ऐप इंस्टॉल करके रखो जो मुझे यूजेज के बारे में बताएगा जब तक मेरी आदत ना बन जाए कम यूज करने की. एंड कम यूज करने की इन द सेंस कि मैं जो हर गैप में इंस्टाग्राम खोल लेती हूँ ना, जब तक ये मेरी आदत नहीं बन जाती कि हर गैप में मुझे इंस्टाग्राम नहीं खोलना है, मुझे लोगों से बातें करनी है, तब तक मैं ये करती रहूंगी. ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन मैं सिर्फ इस साल के लिए नहीं देती हूँ, मैं इसे एक हैबिट बनाने वाली हूँ. और ये हैबिट की शुरुआत कैसे की जा सकती है बच्चों, 5 मिनट हैबिट की तरह. कोई भी काम जो आप इस साल अचीव करना चाहते हैं, कोई भी चेंज जो आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करिए. आज के आज आप 5 मिनट के लिए कोशिश करिए कि आप सुबह उठते ही साथ 5 मिनट तक अवॉइड करेंगे फोन देखना. ऑटोमेटिकली आप देखना बच्चों, अगर आपने 5 मिनट तक अवॉइड कर लिया ना, आप ऑटोमेटिकली आधे घंटे तक अपने आप अवॉइड कर लोगे. इट्स अ चैलेंज, यू कैन ट्राई एंड डू दैट, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो Try to clean your room for 5 minutes. Try to meditate for 5 minutes. Try to work out for 5 minutes. कई बार क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं कि इस साल हम हेल्दी बनेंगे और हर रोज जॉगिंग करने जाएंगे, और हम जॉगिंग करने जाते हैं, बहुत दौड़ते हैं, और अगले दिन ऐसे हो जाते हैं, मम्मी थक गया, आज नहीं जा सकता. ठीक है, ऐसा नहीं करना है. अगर आप जॉगिंग की हैबिट स्टार्ट करे हो, आज सिर्फ 5 मिनट के लिए जॉग करो, कल भी 5 मिनट के लिए करो, परसों कोशिश करना कि 5 से 7 मिनट कर लो, फिर कोशिश करना 7 मिनट को 10 मिनट बना लो. सो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. ठीक है, टेक बेबी स्टेप्स. रीड न्यूज़पेपर फॉर 5 मिनट, लर्न समथिंग न्यू फॉर 5 मिनट, डू स्ट्रेचिंग फॉर 5 मिनट, डू स्किपिंग फॉर 5 मिनट्स, डू रीडिंग फॉर 5 मिनट, डू राइटिंग फॉर 5 मिनट, एनीथिंग फॉर 5 मिनट्स, एंड स्लोली इंक्रीज दैट टाइम, और वो आपकी हैबिट बन जाएगी. नेक्स्ट इज कीप अ ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस. अगर हमें, देखो ये ह्यूमन नेचर है बच्चों, जब तक हमें थोड़ा सा सक्सेस दिखता नहीं है ना, हमारे अंदर से मोटिवेशन उतना ही जाता है. ठीक है, अगर हमने बस एक गोल बना लिया कि इस साल मैं जॉगिंग की हैबिट बनाऊंगी, ठीक है, तो पहले दिन मैंने दौड़ा 5 मिनट, फिर मान लो मैं हर दिन मैंने धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करती रहा, ठीक है, बट मैंने कभी उस चीज का ट्रैक नहीं रखा, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा ना कि अगर मैं 20 मिनट या आधे घंटे में जॉग कर रही हूँ तो मुझे लगेगा यार अभी तक मैं सिर्फ इतना ही स्टैमिना डेवलप कर पाई कि मैं 20 मिनट दौड़ सकती हूँ बस, तो मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगी. बट अगर वही मैंने कहीं नोट डाउन करके रखा ना, और मुझे ग्राफ दिखेगा कि पहले तुम बेटा सिर्फ 5 मिनट करती थी, क्या समझ रही हो, अब जो तुम 20 मिनट कर रही हो ना, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है, तो मुझे लगेगा कि अरे यार मेरा ग्राफ तो ऊपर ही जाते जा रहा है, मतलब मैं अच्छा कर रही हूँ, है ना. तो फिर मुझे उस 20 मिनट की वैल्यू रियलाइज होगी, है ना. जब तक हम प्रोग्रेस नहीं देखते ना, हमें रियलाइज नहीं होता है, उस चीज की इंपॉर्टेंस की वैल्यू नहीं होती, राइट. तो इसीलिए आपका प्रोग्रेस ट्रैक करना बहुत जरूरी है. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, did not give up my pirates. My pirates can do anything and my pirates can achieve anything, I'm sure. Okay, so do not give up. And if one dream should fall and break into 1,000 pieces, never be afraid to pick one of those pieces up and begin again. चाहे वो सपना कितने बार भी टूटे, हर बार उस सपने को एक टुकड़े को उठाकर फिर से कोशिश करने की शुरू करो. मंजिल मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं. ठीक है, so you can achieve everything बच्चों, and I have full faith on you and you guys should have full faith on me. मैं भी इस साल आपके साथ अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को फॉलो करूंगी एंड हैबिट्स में कन्वर्ट करूंगी. सो लेट्स डू इट टुगेदर. हाई फाइव. ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास टुडे. डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट एंड लेट मी नो कि आप इस साल कौन सा रेजोल्यूशन बनाने के लिए बिल्कुल डिटरमाइंड हो चुके हो. कोई एक, कोई दो, कोई तीन न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो आप इस साल अचीव करना चाहते हैं. एंड ऐसा नहीं जो दूसरे लिख रहे हैं उनका देख के मत लिखना, अपने दिल से पूछो कि आप इस साल कौन सी हैबिट बदलना चाहते हो. हो सकता है कि हम इस साल चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हर चीज़ों पे सोचे ना, बहुत ज़्यादा हर चीज़ों के लिए डिप्रेस ना हो, या फिर हम अपने मार्क्स के पीछे ना भागे, कॉन्सेप्ट के पीछे भागे. हम कुछ भी जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपके दिल में आ रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना. ओके गाइस, एंड यस, रिमाइंडिंग यू ऑल 50% डिस्काउंट इज स्टिल लाइव बच्चा पार्टी. तो अगर आप में से कोई भी बच्चा अगर चाहता है अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम अच्छे से करने की, तो आप वेदांतु के कोर्सेस एनरोल कर लो बच्चे लोग. सीबीएसई को तो मैं भी पढ़ाती हूँ, आईसीएसई को भी बहुत अमेजिंग टीचर्स पढ़ाते हैं एंड आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी. क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास का बच्चा एनरोल कर सकता है, नॉट एन इश्यू. ओके गाइज, एंड न्यू बैचेस भी आपकी शुरू हो गई हैं, तो आपका फुल सिलेबस प्रिपरेशन हो जाएगा 1st चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक. तो गो फॉर इट. ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर. सो आने वाले साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलते हैं बच्चों अगले साल में. बाय बाय, बाय गाइस, टेक केयर.